Assalamu alaikum, everybody. I'm back and live session with Faisal Qureshi now. We just had a great chat with Mikal, and now Faisal Qureshi ka hum wait kare. Faisal ko, let me send an invite. Faisal Qureshi, yes, Faisal. Mr. Faisal Qureshi, कहाँ पे है यार? Come on man, waiting for you. Okay, let me see. I can't see Faisal. I'm just looking for him if he's around. Okay, guys. So, oh yes, Mr. Hello, Faisal Qureshi. क्या हाल है जनाब? वालेकुम सलाम. क्या हाल है? कैसे हो? ठीक ठाक हो? Good, good, good. यार एक तो thank you very much for joining in. इतने बिजी स्केड्यूल में और उसके बावजूद योर हेयर. थैंक यू सो मच यार. सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, हाउ इज योर फैमिली? कैसे सब लोग? खैरियत से सब? ऑल गुड. चलो माशाल्लाह. अच्छा यार, ये एक कैंपेन है जो हम कर रहे हैं, इसके बारे में तो मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो रमजान के इस महीने में काफी लोग एक्टिव हो जाते हैं नेकियां करने के लिए और स्पिरिट्स काफी हाई होती हैं, तो व्हाट डज रमजान डू फॉर यू? क्या रमजान में किस तरह फील होता है इन चीजों के बारे में कि अच्छे अच्छे काम करने चाहिए? असल में देखो यार, आप जब किसी ऑफिस में काम करते हैं तो एक आध महीना ऐसा होता है जिसमें बोनस मिलना होता है, तो आप बड़ा दिल लगा के काम करते हैं कि शायद इस महीने आपको बोनस अच्छा मिल जाए. तो अल्लाह ताला ने एक बकायदा बोनस का महीना दिया हुआ है, तो हर इंसान ये कोशिश कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे. सो अगर किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी आ जाती है, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से लोगों को फायदा पहुंचता है, तो समझता हूँ कि बहुत अल्टीमेट मंथ है जिसको हम रमजान कहते हैं. सो इसमें हर इंसान की कोशिश होती है. और आप देखें, ऐसा मजे की बात ये, आपके भी बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, आप, मैं खुद हूँ, हम जैसे और बहुत सारे लोग जो इस महीने में बे इंतहा जो है वो कोशिश करते हैं कि यार लोगों की आप मदद करें. और अनबिलीवेबली आपको खुद समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ कहाँ से गैब से आपकी मदद हो रही होती है. और कहाँ अगर आप किसी को बोल दें कि हमारी हेल्प करो तो बिल्कुल. आप किसी को बोलें या ना बोलें, मतलब आप ही अगर खुद किसी को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपने लाख रुपए खर्च कर दिया इस महीने में लोगों की मदद के लिए, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पास कहाँ से 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख आपके पास आ जाते हैं, और आप खुद ही जो है वो हैरत होते हैं. तो मतलब परवरदिगार भी भरपूर इस महीने में आपकी मदद करता है. तो वो तमाम लोग जो चैरिटी करते हैं इस महीने में, राहत लाने की कोशिश करते हैं या किसी भूखे को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यार बड़ा बड़ा अच्छा एफर्ट है यार ये मेरे ख्याल से. आप वो 1+/3 है ये, कि आपको 4 गुना ज्यादा मिलेगा तो वो मिल रहा होता. जबरदस्त. ये तो है. अच्छा, जब अल्लाह ताला से एक कनेक्शन जोड़ने के लिए जाहिर है वी ऑल हैव आवर ओन वेज टू प्रे. हमारा जो आप किसी भी मजहब को फॉलो कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, कोई और किसी मजहब को फॉलो करते हैं, उसका अपना एक तरीका है एक राबता खुदा से जोड़ने का. सो ये जो चैरिटी वर्क है या ये रमजान में जो काम हम करते हैं, डू यू थिंक दैट ये काम आता है अल्लाह से राबता जोड़ने में?
यार मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला है, और आप जब लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखते हैं, मैंने भी एक छोटी सी कोशिश शुरू की थी पिछले दिनों, कर रहा हूँ अभी इस महीने में कोई कम से कम 5-6 दफा और करूंगा। लॉकडाउन लग गया है, लेकिन देखते हैं कि हम उसको किस तरह से परसू कर सकते हैं आगे। सो हमने जब बच्चे बुलाए, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे उनमें क्रिश्चियंस भी थे, उनमें हिंदू भी थे, मैं हाँ, उनमें अच्छा मुसलमान रिसेंटली बच्चे भी यस थे, ठीक है। तो वो बच्चे इतनी अच्छा, देवर वेटिंग फॉर अजान, के अजान होगी तो हम फिर सबके साथ अफ्तारी खोलेंगे। देवर हंग्री बट वाओ देवर वेटिंग। तो वेटिंग टीचर्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि फैसल भाई वो देखें, वो हिंदू कम्युनिटी के बच्चे हैं, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे हैं, बट दे आर वेटिंग, कि वो अजान का वेट कर रहे हैं, कि अजान होगी तो फिर सबके साथ वो अफ्तार करेंगे। हम अपने जेस्चर्स में हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक इतनी बड़ी है, और अगर आप उससे बहुत सारी चीजें, जब आप इंस्पायर होके उनके कैरेक्टरिस्टिक से, उनकी चीजों से जब आप देखते हैं, तो उसमें जो ह्यूमैनिटी है वो बहुत ऊपर है ऐसे, जो बहुत बहुत ज्यादा ऑफकोर्स ऑफकोर्स उससे ठीक ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि हमारे मजहब में जितना ह्यूमैनिटी का बताया गया है शायद कहीं और सिखाया नहीं है, इतना ज्यादा ह्यूमैनिटी का जिक्र है। अच्छा ये जो 100 मिलियन मील का फैसला, इसका मकसद ये है कि हम देखते हैं हमारे, ये तो वैसे तो ये UAE से शुरू हुआ है लेकिन ये 20 ममालिक से ज्यादा ये लोग स्प्रेड करेंगे इंशाल्लाह, कर रहे हैं और हर जगह दूसरे मुख्तलिफ मुल्कों में भी एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें ऑब्वियसली एक CSR एक्टिविटी तो सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी हर चैरिटी का। मैं आई नो आई हैव सीन यू, आई हैव सीन ऑल द अदर एक्टर्स आल्सो, हम लोग कोशिश करते हैं कि जहां भी कहीं हमारी एक बात कहने से किसी का फायदा हो जाए। तो डू यू थिंक ये जो 100 मिलियन मील्स जब सारे मुल्कों में आप अपने 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 लोगों को या दूसरे लोगों के लिए चैरिटी दे के सबको खाना खिला रहे हैं और कोई भूखा ना रहे, तो ये क्या इनिशिएटिव, आपको क्या लगता है कैसा इनिशिएटिव है? इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। आई थिंक आप देखें, मैं, आप या कोई भी, हम सारे ठीक है काम करते हैं, लेकिन इन दी एंड जो मकसद है वो ये है कि आपको 2 वक्त की अच्छी रोटी मिल जाए, ठीक है ना। ये 2 वक्त की रोटी जो है, ये इंसान को उसका मजहब तक भुलवा देती है, चाहे आपका किसी भी मजहब से ताल्लुक हो। जब वो देखता है ना कि उसका बच्चा जब भूखा है, कोई इंसान सोचो जरा, एक इमेजिन करो यार थोड़ी देर के लिए, उसका बच्चा भूखा है, उसके बच्चे के सोचो पास, यार, हाँ वो तड़प रहा है भूख से, और वो इंसान लाचार है, बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं खिला सकता अपने बच्चे को, क्या करेगा? वो कोई ऐसी चीज ही करेगा जो कि आपको हर चीज से फिर बाहर ले जाती है। भाई अगर कोई भूखे इंसान को आप रोटी खिला देते हैं, तो कम से कम ये एक चीज का एहसास होता है, चलो मैं अब कम से कम कोई काम कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, उसके बच्चे घर पे भूखे नहीं रहेंगे। और मैं देख रहा था यार, इतना सस्ता, अपने कहते हैं इट्स अ 10 धर्म 10 मील्स यार, एक धर्म का एक मील है, विच इज नथिंग, विच इज बिल्कुल नथिंग। सही है। अब फैसल फैसल डू यू थिंक कि ये कैंपेन जो है 100 मिलियन मील्स की जो कैंपेन है ये, क्योंकि इतने मुल्कों में अब हो रही है और ये करेंगे इंशाल्लाह, इसको आगे भी करेंगे, तो ये चल हम सबको एज ए ह्यूमन करीब लाने में हेल्प करेगी। ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है, कुछ लोग दे रहे हैं और कुछ खा रहे हैं लेकिन सब एक प्लेटफॉर्म पे है। यार देखो, बहुत मैं इस चीज को ना, मैं बड़ा वो करता हूं कि आप लोगों को पैसे पकड़ा देते हैं ना सड़क के ऊपर, या मैंने देखा है कि लोग खाने फेंक रहे होते हैं, बच्चे लड़ रहे होते हैं, बड़े लड़ रहे होते हैं। ये एक बड़े प्रॉपर तरीके से लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है। और भी हमारे मुल्क में ऐसी कुछ NGOs हैं जो इस तरह से काम करती हैं कि दस्तरखान ऑफ लगते कोर्स हैं। ऑफ कोर्स हाँ, और बहुत ज्यादा बहुत काम हो रहा है सर। ज्यादा काम होता है। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज है, और यही अभी जब ये
हुआ है अपना क्या कहते हैं कोविड का दोबारा से जो लॉकडाउन हुआ है, सो हमें ये वाकई परेशान कि बहुत सारे लोग, जैसे बड़ी ईद होती है ऐसे कितने लोग आप देखें कि उनको गोश्त खाने को मिलता है यार, इसी तरह से ये छोटी ईद है या रमजान है, इस पे अगर आप जितना भी लोगों को हेल्प आउट कर रहे होते हैं यार, ठीक है, दिल इतना इतना खुश होता है उन लोगों के लिए जो इस तरह की चीजें करते हैं। ऑफ कोर्स यार, बिल्कुल सही है, ग्रेट। अरे यार फैसल, बिफोर वी फिनिश दिस सेशन, के लोगों को जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इतना लोग, यू नो, पीपल वॉच योर वर्क एंड दे लाइक रियली अमेज्ड दैट वी आर टॉकिंग, वी टुगेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कुछ उनको पैगाम लोगों को जो देख रहे हैं, कुछ कहना चाहते हो? या देखें, एक तो जो सबसे जरूरी चीज है तो इंसानियत का दामन थाम के रखें यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बरतर होना या इस चीज का गुरूर करना कि आपने कोई कमाल कर दिया है या आप एक ऐसे घराने में पैदा हो गए हैं, सो ये सारी चीजें जो हैं ये वक्ती हैं। जो बरतर है वो सिर्फ एक ही जात है, बेशक, दूसरी राय नहीं है, बेशक एक ही जात है जो सबसे बरतर है। एक सेकंड नहीं लगता यार, एक सेकंड नहीं लगता। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, पूरी दुनिया इतनी बातें करती थी, कोई बातें, उनका कोई वो मकसद नहीं है यार, कोई वैल्यू नहीं है इंसान की। I agree. तब होश में आ गए कि अच्छा ये है, लेकिन उसके बावजूद भी होश के नाक होने लगे। सो प्लीज 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 अपने आप को किसी से बरतर ना समझें, ये तो हमारे कुरान पाक में लिखा है। थोड़ा सा इंसानियत का दामन, अच्छी बात है फैसल, वंडरफुल यार, वंडरफुल सेशन, एंड आई फील अ लॉट ऑफ पीपल विल लिसन टू इट, और इंशाल्लाह जो हमारा मकसद है वो मकसद ये है यार कि हमारी जात से किसी को फायदा हो। फैसल, आई रियली वांट टू थैंक यू यार कि मैं मिकाल को बोल रहा था कि मेरी बहुत ऐसी नेचर है कि मैं कभी, मुझे बुरा लगता है कि मैं किसी को, किसी का टाइम ले रहा हूँ या मैं किसी को बोल रहा हूँ कि CSR एक्टिविटी में हिस्सा ले, बट यू गाइस हैव बीन सो सपोर्टिव मैन, थैंक यू यार, एंड आई होप कि जो आप लोगों की जितनी दुआएं सब पूरी हो यार, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ सब, और अल्लाह पाक सब पे आसानियां भी पैदा करे, जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सब दुआ करें प्लीज। चलो, यू टेक केयर मैन, टेक केयर, सी यू सून इंशाल्लाह, ओके यारा, थैंक्स ब्रो, थैंक यू, थैंक यू, आई एम बैक। अच्छा जी, मिकाल कहां पे है ब्रो? फाइंडिंग मिकाल, फाइंडिंग मिस्टर मिकाल, हेलो एवरीबॉडी, सबको मेरा सलाम। वी डिड कनेक्ट विद मिकाल एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग के कनेक्शन थोड़ा अच्छा हो जाए, और दोबारा से ट्राई कर रहे हैं ताकि आवाज आप तक क्लियर पहुंच सके। 100 मिलियन मील्स की जब हम बात करते हैं तो ये कैंपेन जो है बेसिकली ये अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए है कैंपेन, इस सेंस में कि पीपल लाइक अस, वी ऑल कैन कनेक्ट एंड वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन सो मैनी वेज। वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय गिविंग चैरिटी, वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय गिविंग मनी, ऑब्वियसली वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय बीइंग पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय telling other people to sort of support this campaign, and so let's see view request, Mikal kahan pe hai, kidhar hai yaar, aaja bhai, wait Angry.
इट्स सो स्ट्रेंज, इतनी खामोशी और इतना देर वेट करना पड़ेगा मिकाल का, मुझे नहीं मालूम था कहाँ है भाई। आई थिंक आई हैव टू डिस्कनेक्ट एंड देन आई हैव टू टॉक टू हिम कि भाई क्या सीन है, कहाँ पे हो, या वी कैन वेट फॉर अ लिटिल वाइल अगेन। एंड ओके समहाउ कांट फाइंड हिम, लेट्स डू इट वंस अगेन, लेट्स डू दिस अगेन। Waiting. Yes, yes. Finally. आ गया भाई, आ गया. Finally. यार, I'm sorry. I think my connection is a little bad, but. कैसा यार? ठीक है, fit है? I'm great, यार. तू सुना? Or how's it going? Good, good. आजकल यार बड़ा royalties का जो नया सिलसिला शुरू किया है. I think you're one of the pioneers, and I must say it's a great task that we're working on. Inshallah. Yeah, like you are in Ramzan, SM, you know, I think we all look to support each other and support people who, you know, who need a voice. So, you know, and it's always, kehte charity always starts at home, to apne ghar ko dekhna chahiye. Balki, you know, it's something I think we're all passionate about, you know, and, you know, something that we've all collectively raised together. So, yes, you know, let's hope we get what's rightfully ours, inshallah. Okay, Ehsan, I wanted to ask you, Ramzan and tell me more about this, you know, your initiative. For us, maybe educate ho jaunga ki what this is, aur log bhi educate ho jayenge jo dekhne wale. First tell me ke Ramzan mein thodi spirits high hoti hai ki dusron ki madad karni hai, we have to help each other. So how is it for you? I feel it's a great thing कि अचानक से लोग जो है ना वो जागते हैं कि यार दूसरों की हेल्प करनी है हमने। यार मेरे अंदर तो भाई I'll be honest यार ऐसे नहीं है, मतलब I'm not just saying this, मेरे अंदर तो ये जज्बा all year round रहता है और रमजान में यकीनन थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, लेकिन मैं तुझे भी जानता हूँ और यू नो हम ऐसी पोजिशन में होते हैं कि यार लोग हमसे मदद मांगते भी हैं और चाहे वो चैरिटी वर्क है, चैरिटी वर्क तो ऑल ईयर राउंड यू नो चलता रहता है और यू नो ये भी जो हम अभी कह रहे हैं मुझे तेरा नहीं पता लेकिन यू नो ऑल ईयर राउंड ऑफ कोर्स आई नो यू नो अच्छा मुझे ये बता, मैं व्हाट आई वांट टू आस्क के एक सेटिस्फेक्शन मिलती किसी की हेल्प करके, आपको पर्सनली आपको लगता है कि यार कुछ अचीव कर लिया आपने, आप इतनी अचीवमेंट जो आपकी बाकी होती ना वो भी साथ चल रही थी, बट अचीविंग you know winning somebody's heart, winning somebody's you know like and getting this kind of appreciation ke yaar aapne kisi ko help kar diya, aapne kisi ke liye kuch kar diya, aur how do you feel about it, what do you say? Yaar I mean personally Ehsan, I mean I think there's no greater reward than giving, aur jo insaan ko khushi milti hai jo kisi ko kisi ki madad karne se ya kisi ko dene se ya even apne aas paas bhi jo log hain उनका ख्याल रखने से जो इंसान को खुशी मिलती है वो किसी और चीज से नहीं मिलती। मुझे तो पर्सनली बहुत खुशी मिलती है यू नो टू नॉट जस्ट फाइनेंशियल हम बात नहीं कर रहे हैं लेकिन यू नो चाहे वो आपका दोस्त है जिसके साथ आप बैठते हो उसकी बात सुनते हो, आपका कोई घर वाला है, आपकी भाई बहन है, यू नो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके छोटे आपके बड़े हैं जिनका आप ख्याल फिजिकली ख्याल रखते हो, या यू नो छोटे छोटे जेस्टर्स होते हैं वेदर इट्स यू नो बीइंग कंसर्न्ड कि वो खा पी कह रहे हैं या वो कैसे किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो आई थिंक ये यू नो पता नहीं मुझे तो पर्सनली बहुत इंसान को गिविंग रहना चाहिए और मैं समझता हूँ आप जितना गिव करते हैं ना उससे यू नो 10 टाइम्स ज्यादा रिसीव करते हैं इन ऑल मैनर। अगर आप प्यार देते हैं आपको प्यार मिलता है, अगर इज अबाउट यू नो प्रोवाइडिंग फूड टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड जो शायद and it's happening in more than 20 countries by the way, so initiative hai ke koi aap kehte na kisi ko bhookha nahi sone dena, aap agar ye sochte ki hum sab milke ye karenge ki koi bhookha nahi soega, har ek ko khana milega, what do you feel about this campaign? Yeah, actually personally I mean something like this is very close to my heart Ehsan, you know meri badi der se khwahish rahi hai to
एक्चुअली स्टार्ट अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को ना खाना प्रोवाइड करती है. और ये मेरी अपनी बदकिस्मती है कि मैं अभी तक उस पे नहीं, यू नो, हालांकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह. एंड आई थिंक आई पर्सनली फील, यू नो इंसान की क्या जरूरियात होती है, यू नो, खाना, मतलब खाना पीना, और यू नो सांस लेना या शेल्टर होना, और फिर हेल्थ हेल्थ होना, तो कोई मेडिकल आपकी जो भी जरूरियात होती है. सो आई थिंक खाना जो है ना वो एक बेसिक आउट ऑफ द थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, खाना पीना, शेल्टर और हेल्थ, उनमें से एक बुनियादी चीज है. तो अगर आप, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू स्टार्ट इट, क्योंकि अगर आप किसी की एक ये चीज पूरी कर दें तो उसका एक हेडेक कम हो गया. मेरी जो पर्सनल जो मेरी विजन थी वॉज टू एक्चुअली कि आप एक ऐसे खानदान को आइडेंटिफाई कर लो और आप उनका पूरे साल के लिए. So whenever you're doing this, whenever you're doing this, you know, I'm with you. Remember, we are doing it together, okay? Thank you, thank you. And I will need yes. everyone's support, and I will definitely. हम जिस पोजीशन में होते हैं, ऐसे नहीं, इसी पोजीशन में होते हैं कि हम, हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं, हम लोगों को जानते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो हमारे पर्सनल ताल्लुकात हो, और हम एफ्लुएंट लोगों को भी जानते हैं, पैसे वाले लोगों को भी जानते हैं, तो हमें वो यूटिलाइज करना चाहिए. और ये मोर देन 20 कंट्रीज, लाइक इट्स हैपनिंग इन अफगानिस्तान, इन बल्गारिया, सो मेनी अदर प्लेसेस, एंड पाकिस्तान ऑफ कोर्स, एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया आर इन्वॉल्वड इन इट, अ लॉट ऑफ पीपल इन यूएई आर इन्वॉल्वड इन इट. डू यू थिंक कि इस तरह की कैंपेन अगर हम करते हैं सब मिलके, तो इंक्लूजन, लाइक यू इंक्लूड अ लॉट ऑफ अदर, यानी आप एक अबव रेस, अबव एनीथिंग एल्स हो के कि आप क्या सोच रहे हैं, वो क्या बैकग्राउंड है, क्या आप मजहब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये होना चाहिए इंटेंशन कि आप लोगों को खाना खिला रहे हैं गरीबों को. तो ये हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म में नहीं लेके आती ये चीज. डू यू थिंक सो? यार ये बहुत अच्छी चीज है. आई मीन बल्कि यू नो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू कि मुझे भी एजुकेट करो उसके बारे में, मुझे नहीं पता, और साथ साथ जो देख रहे हैं हमारे साथ है उनको भी पता चल जाएगा कि ये क्या है. तो यू नो इफ यू नो मैंने तो आपको अपना विजन बताया, अगर कोई ऑलरेडी ये काम कर रहा है, यू नो आई यू नो इट्स ऑलवेज इजी टू यू नो जॉइन हैंड्स विद समवन. तो आई वुड डेफिनेटली, मैं खुद थोड़े से इसके ऊपर और रिसर्च करूंगा. 100 मिलियन व्यूज जो है, एंड आई विल सेंड यू द फर्दर डिटेल्स ऑफ कोर्स, बट आई श्योर आई मीन आई वुड लव टू डोनेट. वी आर काइंड ऑफ डन विद द सेशन. And then, you know, also donate my services. You know, मैं तो बहुत charitable काम करता हूँ. तो I, you know, I went out all the way to US just to do some charity work for Shaukat Khanam. And बल्कि I was amazed के, you know, अगर हम जाते हैं तो कितने खासे अच्छे खासे पैसे raise हो जाते हैं. I think we raised about $300,000. You know, which is quite a substantial amount of money. Yeah. You know, I remember बल्कि ये funny बात क्या है? हम वहां गए तो वहां बिडिंग शुरू होगी ना कि मिकाल के साथ सेल्फी लेने के ना पैसे शुरू हो गए. तो $10,000 से शुरू होना, तो लोग आना शुरू हो गए $10,000 पे. आई वाज लाइक व्हाट, पीपल वांट टू पे $10,000 फॉर सेल्फी विद मी? ग्रेट ग्रेट चैरिटी ब्रो, आई थिंक यू शुड बी. बट ऑब्वियसली दैट वाज फॉर चैरिटी और वी वर जस्ट देयर यू नो एज अ फेस. लेकिन कहने का मकसद कि अगर हम ये काम कर सकते हैं, व्हाई नॉट यार. आई मीन यू नो अगर हम अभी अवेयरनेस, बल्कि जितने लोग देख रहे हैं, मुझे पता है मेरे भी बहुत सारे फैंस आए होंगे, और मेरे तेरे फैंस एक ही हैं वैसे. अच्छा, टैगिंग होती है, हम लोग भाई जो लगते हैं, बिकॉज़ हम लोग आई थिंक किसी शो में ना, बट यू नो व्हाट, आई वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग. बोल दिया मीकू बड़ा अच्छा दोस्त है, एंड ऑब्वियसली आई मीन आई लव हैंगिंग अराउंड, यू नो, बीइंग विद यू, इट्स अमेजिंग. बाय द वे, ये इतना, मैं लोगों को बताऊं, ये मीकाल साथ जब आप होते ना, तो इतना फन लविंग पर्सन है कि ही मेक्स श्योर कि एवरीवन इज एंटरटेन्ड. 100 बंदा भी उसको भी एंटरटेन कर रहा होता है, कोई अकेला बैठा हो उसको भी एंटरटेन कर रहा होता है. बट ब्रो कीप इट अप, एंड वी बल्कि यू नो एसन, मैंने आई वांटेड टू टॉक अबाउट अ फनी टॉपिक, क्योंकि मैंने कहा लोग आए हैं, देख रहे हैं, तो हम क्यों ना एक ऐसी बात कोई करें जो हमने वैसे कभी नहीं की होगी. तो वो मैं तो ये मैंने कहा था कि एक मजे की चीज होती कि ऑब्वियसली हमारे करियर में 20 साल हो गए हैं दोनों को, ऑलमोस्ट, यू नो, तुझे शायद थोड़े ज्यादा हो गए. सॉरी आई ब्रॉट दैट, बहुत पुराने भाई, बहुत पुराने. नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा था कि कितनी दफा हुआ है कि हम दोनों को रोल्स ऑफर हुए हैं, या तुझे कुछ ऑफर हुआ है और तूने नहीं किया, और फिर मैंने वो कर लिया,
और मुझे कुछ ऑफर हुआ और मैंने नहीं किया और तूने कर लिया, तो मैं बल्कि वो है ना बहुत, तो मैं दो इंटरेस्टिंग मुझे वाकया याद आते हैं। जो एक मूवी बन रही थी 2005-06 में, उसका नाम था गॉडफादर, और उसमें एसएन वर्ल्ड, हाँ हाँ, द इंडियन पाकिस्तान क्रॉसओवर मूवी, तो वो मूवी बन रही थी और एसएन को ऑफर हुई थी और एसएन ने फॉर सम रीजन नहीं की, और एसएन ने एक्चुअली खुद मुझे फोन करके कहा कि यार इस तरह से ये मूवी हो रही है एंड आई कांट डू इट, तो इट्स अ गुड सीन, व्हाई डोंट यू डू इट, तो फिर मैंने बात की और फिर आई एक्चुअली एंडेड अप डूइंग इट, और बल्कि दैट लेड टू माय इंडियन करियर, जो भी मैंने इंडिया में करियर किया था। तो यू नो आई गॉट मैरिड इन 2006 राइट, एंड मैंने ये सोचा कि ये यार मेरी अभी शादी हुई है, बेगम ने पहले काम इंडिया में किया और वो 40 डेज के लिए बल्गारिया में बुला रहे थे, एंड मैंने कहा यार मैं अभी मेरी आई है, अभी शादी है, तो मैं इसको तो कुछ प्लान नहीं था, आई डोंट नो मे बी शी वाज एक्सपेक्टिंग और वैसे अगर तू बुल्गारिया चला जाता ना तो तेरी शादी ना चलती, क्योंकि बुल्गारिया में बहुत हुसन है। इसकी बात हम फोन बंद करके, लेकिन लेकिन तू ये बात कर, सुन सुन, तुझे पता है उदाड़ी मैंने पहले करना था और फिर तूने किया, अच्छा किस किसने, ये सब आई थिंक ये सब इट्स ऑल अबाउट योर डेस्टिनी, आवर लक, कैन यू नो थिंग्स हैपन, ये तो सीन है। But bro, thank you so much for being for supporting for this cause, man. Yeah, it's my pleasure. And once again, would just like to request जितने भी देखने वाले हैं कि so Aisen, obviously ये जो 100 million meals हैं, yes, people can donate to this. एक दरम UAE दरम से शुरू करते, कुछ भी यार donate करें, spread the word. It's about spreading the word. You won't believe that what we achieved in just 2 days. You know. I had a session with Imran, with Sarwat Gilani. I had a session with Ejaz Aslam. So ye choti choti hamari baat jo yaar, it really affects. And I think we should, I'm grateful to you, man. You know why? Because main bahut hesitant hu ki main kabhi kisi ko phone pe ye nahi bolta ki yaar ye kaam mera kar do, because I know ki hum sab log jo hain wo, it's our bread and butter, you know. But then somebody doing this activity and just for charity purpose, it's amazing, man. Thank you so much, yaar. Nahi, my pleasure, yaar. It's, and it's always good to see you, Aisen, yaar. We go far back. Main sab logon ko apni call ki izzat kar raha hu. Camera pe hum log. Abhi jab phone band karenge, phir hum wapas baat karenge. Chal, Vikal, take care, man. Take care, bro. See you. Thank you, yaar. Thank you so much. Thank you, buddy. All the best.